हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग CSS फ्रेमवर्क की टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले आपको 4 वीडियो में उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को कवर किया था। तो आज की जो वीडियो है हमारी प्रैक्टिकल नंबर 5 की है, जिसमें आज हम जानेंगे CSS में फॉन्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले CSS फॉन्ट में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आज की प्रॉपर्टी है आपकी w3.css, जिसमें हमको फॉन्ट जानना है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है वो टोटल 8 प्रॉपर्टी होती है, और जो मैंने यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हुआ अलग अलग इनको 8 पार्ट में। तो यहाँ पे टिनी से लेकर के स्मॉल मीडियम लार्ज तक होती है सारी प्रॉपर्टी। अगर आप इसके कुछ नोट्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ नोट्स हैं, अर्थात कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप जो है डिफॉल्ट क्लास की बात करते हैं तो मीडियम लेता है, अगर आप डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो इसकी फॉन्ट साइज डिफॉल्ट रूप से जो होती है 15 पिक्सल होती है। इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो वर्डेना होता है, और उसकी लाइन स्पेसिंग जो होती है वो 1.5 होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट वगैरह भी यूज करने हैं तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फॉन्ट को भी यूज करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप अपना सबलाइन ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ w3 फॉन्ट नाम से, ठीक है, w3 फॉन्ट और टेक्स्ट नाम से मैं दोनों प्रॉपर्टी इसमें कवर करूंगा, और .html मैंने लगा दिया। इसको सेव मैंने कर लिया है, और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ w3css। ये हमारी हेडिंग हो गई है, अर्थात टाइटल हो चुकी है। अब इस टाइटल में हमको जो भी चीजें लिखनी है वो सारी चीजें हम लिख देंगे। जैसे मैंने एक डिव बना लिया, उसका एक क्लास रख दिया। इस क्लास में मैंने रख दिया w3-container। तो ये मेरा कंटेनर हो चुका है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमको कुछ हेडिंग वगैरह लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह लिख दी, और ये जो हमारी हेडिंग है उन हेडिंग का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देते हैं, और उस पैराग्राफ में कुछ भी पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये मैंने पैराग्राफ टाइप कर दिया है, और मैं इस डिव को भी क्लोज कर देता हूँ। तो इतना काम करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिंक हमको करना पड़ेगा हमारी फाइल को। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लिंक। अब लिंक में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिंक लगाने के बाद यहाँ पे आपको देना है w3.css। तो यहाँ पे मैंने w3.css नाम से उस फाइल को सेव किया हुआ था, इसीलिए मैंने उसका यहाँ पे नाम दे दिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसको सेव करके अपना गूगल क्रोम पे इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, अपनी जो डिफिनेशन वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन जो 3 टाइप की गई है उनके बीच में स्पेस जो है डिफॉल्ट रूप से वो 1.5 का होता है, और इसका फॉन्ट साइज जो 15 पिक्सल होता है, साथ ही साथ आपका जो फॉन्ट होता है वो वर्डेना होता है। तो ये कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलते हैं अपने यहाँ पे पेज पे, और यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी हो जाए। तो हम यहाँ पे किसकी फॉन्ट साइज बड़ी करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारा ये जो फॉन्ट साइज पैराग्राफ में है वो बड़ा हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ में ही लगाएंगे क्लास। क्लास मैंने लगा लिया। अब इसमें जो क्लास में अलग अलग मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी साइज, जैसे टीनी वगैरह करके, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए और छोटा हो गया। तो इसकी जो डिफॉल्ट साइज होती है वो मीडियम ही होती है। अगर आप इसको लार्ज कर देते हैं तो क्या होगा, अभी और बड़ा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक्स लार्ज कर देते हैं तो जैसे रिप्रेस करेंगे और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लार्ज कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। नेक्स्ट बात आती है कि कैसे हम लोग इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएंगे, इसमें कैसे और आप जो है फॉन्ट फैमिली वगैरह यूज करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए आप सबसे पहले w3 school को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ मैंने w3 school को ओपन कर लिया हुआ है। अब जाते हैं CSS के W3 वाले में, जहाँ पे हमने सबसे पहले किया हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे कहीं पे एक होगा गूगल का एक ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे गूगल में। गूगल में जाने के बाद आप देखिए कैसा आप फॉन्ट चाहते हो, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग स्टाइलिश फॉन्ट दिए गए हैं।
जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये वाला फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाली लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है हम अपने CSS वाले पेज में आएंगे और यहाँ पे लिंक में पेस्ट कर देंगे, अर्थात हेड के अंदर ही उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जो है सिंपल हमारी जो फॉन्ट फैमिली होगी उसको सिर्फ अगर हम चेंज कर देंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है लोब स्टेयर करके, तो इसको अगर आप चेंज कर दें, बदल दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी में लगा देता हूँ, एक स्टाइल लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया स्टाइल, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और उस फॉन्ट फैमिली में को मैंने दे दिया LOBSTER। तो ये मेरा फॉन्ट फैमिली हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स बंद भी कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जाते हैं और इस पर रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया आपने, तो यहाँ पे उसकी स्टाइल क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, अलग अलग फॉन्ट यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई फॉन्ट अगर आपको चाहिए, इस तरीके का कोई फॉन्ट चाहिए, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का फॉन्ट चाहिए था तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको फॉन्ट पसंद होगा उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं वो फॉन्ट। तो ये तो होता है हमारा फॉन्ट का यहाँ पे स्टाइल वगैरह कि कैसे हम इसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें अगला जो आपका आता है वो है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये मेरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर शो करेगा, और मैंने यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। मैंने डिव बनाया, इस डिव में मैंने एक पैराग्राफ लिखा, या मैं एक हेडिंग ही लिख दे रहा हूँ। अब इस हेडिंग में मैंने लिख दिया, मैंने इस हेडिंग में AKIT सोल्यूशन लिख दिया हुआ है, ये मेरा AKIT सोल्यूशन हो गया। इसके बाद मैंने H3 बनाया, उस H3 में मैंने लिख दिया कि हिंदी YouTube चैनल, H3 को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ, इस पैराग्राफ में क्या करूँगा मैं, इसको भी थोड़ा सा हम जो है कुछ इसमें कंटेंट वगैरह लिख देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि CCC वीडियोज, ठीक है, इसके बाद ओ लेवल वीडियोज, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिजाइन, इसके बाद मैंने लिख दिया वेब डिजाइन, और पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इतना सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है हम इस डिव को यहीं पे बंद कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आपका दिया हुआ एग्जाम्पल आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो डिव मैंने लिखा हुआ है उस डिव में क्लास लगा दे रहे हैं, और उसमें मैंने कंटेनर दे दिया। तो ये मेरा कंटेनर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कंटेनर लगा दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे कंटेनर की स्पेलिंग गलत है, W3 माइनस कंटेनर होता है, और यहाँ पे पूरा आप रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से थोड़ा आपका छोड़ देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो AKIT सोल्यूशन है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पे अगर आप चले तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो करनी है टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की अगर आप बात करते हैं तो तीन तरह के अलाइनमेंट होते हैं, पहला होता है लेफ्ट का, दूसरा होता है राइट का, और तीसरा होता है सेंटर का। तो अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में शिफ्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो जैसे मान लीजिए हमने AKIT सॉल्यूशन को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, तो मैंने यहाँ पे H1 में क्लास लगाया, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया W3 राइट अलाइन GN, ALIGN। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आपका AKIT सॉल्यूशन जो है वो आपका इस साइड में आ चुका है। उसी तरीके से कोई और प्रॉपर्टी किसी पे भी यूज करनी होगी तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में लेके जाना है तो लेफ्ट में जा सकते हैं, अगर आपको राइट में लेके जाना है तो राइट में लेके जा सकते हैं, अगर आपको सेंटर चाहिए तो आप सिर्फ लिखोगे W3 सेंटर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखिए मेरा कंटेंट हमारा सेंटर में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह है आपका वाइड और स्लिम का। वाइड और स्लिम क्या होती है, इसके लिए आपको W3 वाइड और W3 स्लिम लगाना होता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे चलते हैं H3 में। H3 में क्या करते हैं, एक क्लास लगा लेते हैं। इस क्लास में मैंने लिख दिया W3 वाइड। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ रिफ्रेश कर रहा हूं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इन टेक्स्ट के बीच में, एक एक कैरेक्टर के बीच में क्या हो चुका है, स्पेस ज्यादा आ चुका है। तो
तो ये वाइड का कमाल है, वाइड के माध्यम से स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो स्लिम हो जाए, ठीक है, तो स्लिम से क्या होगा, पूरा सटे हुए आ जाएंगे। अब मैं इसको सेव कर लिया हूं और यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए क्या हुआ कि जो अभी आपको दूर दूर दिख रहे थे वो कैसे हो चुके हैं, एकदम सटे हुए आ रहे हैं। तो यहां से वाइड और स्लिम का यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसकी अगली प्रॉपर्टी है शेडो और ऑपेसिटी की। अगर आपको शेडो देना है तो इसके लिए आप W3 टेक्स्ट शेडो का यूज करते हैं। अगर आपको ऑपेसिटी देनी है तो इसके लिए आप W3 ऑपेसिटी का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और जो पैराग्राफ मैंने लगाया हुआ है, इस पैराग्राफ में मैं एक क्लास बना ले रहा हूँ, और इस क्लास में मैं सबसे पीछे जो है उसका कलर जो है रख दे रहा हूँ टील बैकग्राउंड में। तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिफ्रेश, ये देखिए टील टाइप का आपका आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी फॉन्ट की साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा W3XX लार्ज। इसको मैंने यहाँ पे सेव करके अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा बड़ा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस पे ऑपेसिटी लगा दिया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे हम लिखेंगे W3 - ऑपेसिटी। तो ये मैंने ऑपेसिटी लगा दी है। अब क्या करेंगे, रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश करेंगे अब देखिए ये थोड़ा सा और धुंधलापन हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑपेसिटी आपकी लग चुकी है। तो इसके बाद अगर आपको इस पे टेक्स्ट लगाना है, अर्थात शेडो लगानी है, तो यहीं पे आप यूज करोगे W3 टेक्स्ट शेडो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शेडो यहाँ पे यूज कर ली है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसकी CSS की कुछ और प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ से शेडो वगैरह दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो ये हो चुका है हमारा जो है शेडो के साथ साथ ऑपेसिटी, और जो बाकी टेक्स्ट और स्लिम का और आपका वाइड का और साथ ही साथ अलाइनमेंट का टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी हो गई। इसके पहले मैंने आपको फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही था जिसमें मैंने आपको फॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क के बारे में बताया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।